द्वारा तो इसमें 5 साल की सजा और 60 लाख रुपीज फाइन प्रोनाउंस किया गया है कोर्ट न्यायालय के द्वारा। क्योंकि यह अपेक्षा थी कि वो बड़ी हो जाएंगे, मगर बड़ी नहीं हुए, 5 साल की सजा हुई, तो न्यायाधीश जी के फैसले में हम किसी भी तरह का टीका टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं। लालू जी को 5 years and 60 lakhs फाइन। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के समेत 38 अभियुक्तों की सुनवाई कोर्ट में हो रही है। तो आइए जानते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से और कुछ वकीलों से कि उनका क्या कहना है। देखिए, आज सजा का ऐलान किया जाना था न्यायालय के द्वारा, तो इसमें 5 साल की सजा और 60 लाख रुपीज फाइन प्रोनाउंस किया गया है कोर्ट न्यायालय के द्वारा। 5 साल का सजा हुआ, अब कम से कम कितना सजा उनको काटना पड़ेगा जेल में? देखिए, हम लोग का जहाँ तक कैलकुलेशन है और रिकॉर्ड जो कहता है कि हम लोग हाफ सेंटेंस से ऊपर इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, करीब 36 महीने हम लोग कस्टडी में रह चुके हैं इस केस में, इसीलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग हाफ सेंटेंस में कंप्लीट कर चुके हैं। मेडिकल ग्राउंड पर कुछ गुंजाइश होने की? देखिए, यह पुरानी बात हो गई, जो होना था, जो भी आर्गूमेंट करना था वो हम लोग कर लिए, जो भी होना था अब तो आप जज की सेंटेंस सामने प्रोनाउंस कर दिया गया, अब इसमें अब आगे इसमें पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं, अब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे और हाफ सेंटेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से सजा सुनाया गया, मैक्सिमम 5 years पनिशमेंट है और 1.5 करोड़ का फाइन है। लालू जी को 5 years and 60 lakhs फाइन। 2-3 आदमी को 3 साल भी किया गया। 5 साल की सजा सुनाई गई लालू प्रसाद यादव जी को। देखिए, हमारी अपेक्षा ठीक उसी आम आदमी की तरह थी, जो दुखी जन है और जो कर्पूरी ठाकुर जी के बाद दीन दुखियों का, गरीबों का नेता अपना लालू जी को मानते रहे हैं, वो लोग यह मानते थे कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी स्वर्गीय जो हो गए, तो उनको पहले ही जिस तरह से बरी किया गया, तो उनको भी उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य, उनकी गरिमा को देखते हुए उन्हें बड़ी कर दिया। तो हम लोगों की और आम जन की और दीन दुखियों की यह अपेक्षा थी कि वो बड़ी हो जाएंगे, मगर बड़ी नहीं हुए, 5 साल की सजा हुई, तो न्यायाधीश जी के फैसले में हम किसी भी तरह का टीका टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं, मगर इतना जरूर है कि हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे, न्याय में भले देर हो मगर अंधेर नहीं है, आज न कल हमें न्याय मिलेगा और हमारे नेता बड़ी होंगे और फिर वही दिन दुखियों के बीच आकर उनका मनोबल। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद बिहार की राजनीति में कितना असर पड़ेगा और झारखंड की राजनीति? देखिए, ऐसा है, ये तो आप लोग पूछ रहे हैं, लगता है कि जैसे नया जा रहे हैं। लालू जी नहीं थे, लालू जी की अनुपस्थिति में हम लोगों ने चुनाव लड़ा 2020 का, और आज हम सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ, और एक तरह से कह सकते हैं कि छल कपट दाव पेच के कारण जो है आज तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन सका, मगर आज भी हमारी पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी है। इससे बड़ा उदाहरण क्या देंगे कि उनके नहीं रहने के बावजूद हमारे जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो एकजुट हैं और उनकी फिलॉसफी को वो अपने सीने में लगा कर रखा है। अब हमको तो, अब देखिए, जब दोषी बना करार दिया है तो कुछ सजा तो देना ही देवे करेगा अगला जज साहब के ऊपर है। हम लोग सोचते कम से कम हो, हम सोचते 3 साल हो जाए। तो आपने सुना कि लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना सुनाया गया है। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।